अभी लास्ट एग्जांपल जो हमने लिया वो हम सेकंड लेवल पे जा रहे हैं, राइट। हमने बोला कि भाई हमने दो चीजें देखी कि अगर मुझको करियर को देखना है, अगर राइट करियर को अगर देखना है तो मेरे करियर में कहां कहां से बाधा आएगी, ठीक है। सो अब करियर को देखो, हमने बोला कि चार स्थान जो है वो खराब है, छठा स्थान, आठवां स्थान, बारहवां स्थान और तीसरा स्थान। यूनिवर्सल खराब है, यूनिवर्सल खराब है मतलब कि हर घर से ये चारों स्थान खराब है। जैसे ही मैं भावात भावम को लाया पिक्चर में तो मैंने उसको स्केल कर दिया, मैंने बोला लग्न से तो ये चारों स्थान खराब है ही, इसका मतलब हर घर से चारों स्थान खराब। ओके, हाँ दिख रहा है चार्ट, चार्ट दिख रहा है, हाँ। तो अब मुझे ये देखना है कि कर्म के लिए कौन कौन से घर खराब है, तो मैं क्या करूंगा, टेंथ हाउस को लग्न मानूंगा अकॉर्डिंग टू भावात भावम, राइट। और मुझे पता है चार स्थान होते हैं जो खराब होते हैं, 3, 6, 8, 12। तो देखो कर्म को लग्न माना तो 1, 2, 3, यहां पर कर्म का स्ट्रगल इज माय लॉस, लॉस ऑफ द लग्न, हु इज लग्न, मी, राइट। आई एम सीइंग इट इन माय चार्ट, यानी कि मुझे अगर रोज ही तलवार लेकर अपने ऑफिस में जाना पड़ता है, यू आर गोइंग टू वॉर, राइट, यानी कि आपको बहुत पॉलिटिक्स ये वो और ऐसा कर दूं वैसा कर दूं और नया रोज करना पड़े, गड्ढा रोज खोदना पड़े, इट इज लॉस ऑफ द लग्न, दैट इज योर हेल्थ इज गोइंग टू डिटोरिएट। अब समझ में आई? ओके, नाउ दशम से छठा स्थान खराब है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीसरा स्थान, यानी कि दशम से छठा, यानी कि कर्म के शत्रुओं को मारने के लिए मुझको पराक्रम करना पड़ता है, यानी कि ये जो ग्रह यहां पर बैठा है इसका रोल क्या है, मेरे जीवन के अंदर मेरे कर्म में शत्रु क्रिएट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मींस दशम से छठा स्थान तृतीय स्थान है, ये मेरे कर्म के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है क्यों, क्योंकि मैं ये मेरे पराक्रम का स्थान है और दशम से छठा मतलब कि दशम के शत्रुओं का स्थान है, जैसे ये एक्टिवेट होगा दशम में शत्रु आने लगेंगे पराक्रम करने लगूंगा, दशम में शत्रु आने लगेंगे पराक्रम करने लगूंगा, सो बाय द एंटायर एनर्जी इज गोइंग इनटू जनरल। आई वाज सेइंग व्हाट इज द टेक्निक टू सी कि किसी भी को खराब करने वाले घर कौन कौन से हैं, राइट। तो हमने बोला हर घर से तीसरा छठा आठवां बारहवां खराब होता है, ठीक है। So we were practicing it on the 10th house. So I was saying third house is my loss. Third house मतलब effort, पराक्रम मैं करूंगा, तीसरे स्थान में कर्म की वृद्धि के लिए पराक्रम करूंगा, लग्न का loss होगा। यानी कि दूसरी बात क्या है, कर्म में पराक्रम करने के लिए मुझे देना होगा, क्या देना होगा, खुद को देना होगा, लग्न का loss होता ही है, राइट। खुद को देना होगा मतलब मुझे अपने आप को झोंकना होगा अगर मैं चाहता हूं कि मेरे कर्म में वृद्धि हो, उपचय स्थान है, राइट। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थर्ड हाउस अगेन पराक्रम, राइट। तो इसका मतलब उल्टा कैसे हो गया कि ये दशम से छठा है मतलब मेरी कर्महीनता, मेरे कर्म में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मेरे कर्म में सबसे बड़ा शत्रु है जब मैं एक्शन नहीं लेता हूं, पराक्रम नहीं करता हूं, दैट इज द बिगेस्ट शत्रु ऑफ माय कर्म स्थान, इट इज सिक्स्थ फ्रॉम द 10th हाउस, राइट। ओके, एंड 8th हाउस, 8th हाउस मतलब पंचम स्थान। सो आई वाज सेइंग द बिगेस्ट एनिमी ऑफ माय 10th हाउस, यानी कि मेरे कर्म का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, मेरी अकर्मण्यता, जब मैं आगे बढ़कर शस्त्र नहीं उठाता मतलब कि मैं आगे बढ़कर प्रयत्न नहीं करता, दैट इज द बिगेस्ट एनिमी 6th हाउस फॉर माय कर्म। एंड देन 8th हाउस, 8th हाउस कौन सा स्थान है, कष्ट स्थान, राइट, कष्ट स्थान है। यहां पर कौन सा स्थान आ रहा है कर्म के लिए, पंचम स्थान। अब हमने देखा पंचम तो अच्छा है बहुत,
मेरे कर्म में बाधक कैसे बन सकता है पंचम, राइट? आइडियली तो पंचम तो त्रिकोण है, तो दशम से अष्टम पंचम को इसीलिए रखा है क्योंकि एट्थ हाउस के दो चीजें हैं, एक तो एट्थ हाउस कष्ट का स्थान है, एक है एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान, राइट? यानी कि चीज, आप सुबह बाथरूम जाते हो तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हो ना, पंचम से दशम से अष्टम है पंचम, इसका मतलब आपके कर्म में कष्ट कब आएगा, जब आप एजुकेटेड नहीं होंगे। ये समझ में आ रही है? इसको पॉजिटिव तरीके से हम कैसे देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे कैसे देखेंगे? इफ योर फिफ्थ हाउस इज गुड, यू आर ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग योर कर्म, मतलब आप अपने कर्म के अंदर, अपने जॉब प्रोफेशन के अंदर लगातार कुछ सीख रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हो। Now, which is the 12th house from the 10th house? 9th house. 9th house is the house of Bhagya. Again a good house. Right? लेकिन ये दशम से बारवा है, इसके दो मतलब है। एक, आपका दशम कमजोर हुआ तो यू विल लूज 9th हाउस। तो मैं ये कह रहा था कि 10th हाउस से बारवा स्थान है 9th हाउस, राइट? यानी कि कर्म खराब होगा तो भाग्य को लूज कर दोगे आप, भाग्य का धन है कर्म, 9th से सेकंड, राइट? दूसरा, 9th हाउस दशम के बारहवें में है और 9th का धन मतलब कि भाग्य का, सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ सस्टेनेंस, है ना? जब आप भोजन करते हो तब ही रहते हो ना इस दुनिया में, दूसरे स्थान में, राइट? सो आपको, या फिर मार्ग का उल्टा क्या है, सस्टेनेंस करना, मरना या फिर जिंदा रहना। तो भाग्य का सस्टेनेंस कहां पर है, कर्म में है, 9th से सेकंड में। कर्म का लॉस कहां पर है, भाग्य में। मतलब क्या कि अगर आप भाग्यशाली हो गए तो आपको ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ेगा, भाग्यशाली हो अगर आप तो ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये चूंकि 2 और 12 का संबंध है, आपका भाग्य ज्यादा दिन तक साथ नहीं दे सकता अगर आप कर्महीन हो गए तो इस तरीके से, जैसे कि लग्न से 3रा 6ठा 8वा या स्पेसिफिकली 6ठा 8वा 12वा, ये तीनों स्थान खराब होते हैं, हर जगह से ये तीनों स्थान खराब होते हैं, राइट? जैसे लग्न से केंद्र और त्रिकोण, ये दोनों स्थान अच्छे होते हैं, हर जगह से ये दोनों स्थान अच्छे होते हैं,